जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 4 ईयर एट 10% पर एनम विल बी। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो ₹4,000 का अमाउंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल बाद कितना हो जाएगा यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये मुझे पता है कि अगर 10% को खोलूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1/10। यानी कि अगर उसके स्टार्टिंग में उसके पास में कितने 10 रुपये थे, तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में उसके पास कितने हो जाएंगे, 11 रुपये हो जाएंगे। मतलब कि साल के अंत में 11 रुपये हो जाएंगे। अब वो कितने ईयर का बोल रहा है, 4 ईयर का, तो इसका 4 कर दीजिए, इसका 4 बोल रहा है तो इसका भी 4 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा इसके पास में, 10,000 रुपीज़ हो जाएंगे। ये 10,000 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 1331, 11 का क्यूब होता है, फिर इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1331 और 1331 ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका 4, ये आपका कितना 6, ये आपका 4 और ये आपका 1, तो 1, 4, 6, 4, 1 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 4 साल में जो अमाउंट था प्रिंसिपल अमाउंट, अगर उसका 10,000 था तो 4 साल बाद जो उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो इतना हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, जैसे डिफरेंस करेंगे 4, 6, 4, 1 हो जाएगा। अब एग्जामिनर कह रहा है जो प्रिंसिपल अमाउंट है भाई वो 10,000 नहीं है आपका, वो 4,000 रुपये है, तो इसको किस नंबर से डिवाइड करें, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना का आपका, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया और ये इससे गया, यानी कि कितना का 2/5। अगर 2/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में यही वैल्यू आएगी आपकी, तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना 2/5। अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा ये आपका, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एक 24 एक 25, 2 4 चौक 16 17 18, यहाँ से लगेगा पॉइंट, ये आएगा 0, यानी कि 1856.40, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है, सक्सेसिव मेथड कहता है। सक्सेसिव मेथड का मतलब क्या होता है कि इस ये एक ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है, आप 4 ईयर के इंटरेस्ट का सम निकाल लीजिए। कैसे, देखिए ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा आपका, ये सेकेंड ईयर हो जाएगा आपका, ये प्लस का फर्स्ट ईयर हो जाएगा आपका, ये आपका सेकेंड ईयर होगा और अपॉन में 100 करेंगे, तो ये 2 साल का सक्सेसिव रेट आ जाएगा मेरा कितना, 10% पे। तो इसको मैं लिखता हूँ 10% प्लस में, ये मेरे पास में 10% प्लस में 10% इंटू में 10% अपॉन में 100 करूँगा, तो सॉल्व करने के बाद ये 21% आएगा सेम ऐसे ही। अब इसको यहाँ पे 21 लिखूंगा, फिर इसको 21 लिखूंगा, फिर यहाँ पे 21 इंटू 21 लिखूंगा, तो ये मेरे पास आएगा 4, 6.41%। ये मेरे पास में सक्सेस रेट आ जाएगा किसका, 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली जो आपका 4,000 रुपीज़ दे रखा है आपका, उसको 4, 6, 6, 4, 1 अपॉन में 10,000 से क्या कीजिए आप, इसे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 जीरो खुलेंगे और 2 जीरो परसेंटेज के, तो इन 3 जीरो से, तो मैंने 3 जीरो कटा दिया, तो सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 24 25, 4 चौक 16 17 18, तो ये कितना आएगा 1856.40 रुपये। यानी कि ऑप्शन ए जो आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत।